गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग संस्कृत की पार्ट वन प्रभात वेला, मतलब कि प्रभात वेला मतलब होता है प्रभात वेला पढ़ने जा रहे हैं। प्रभात वेला का मतलब होता है सुबह का टाइम, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है। प्रभात मतलब सुबह, वेला मतलब टाइम, ठीक है। माता, सुप्रभातम पुत्र सोमेश आयुष, सुप्रभातम जननी माता पुत्र प्रातः कालस्य प्रकृते सौंदर्यम पश्य आयुषा आमा पश्यामि। देखिए, माता बोलती है पुत्र से, सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग होता है ना, तो संस्कृत में सुप्रभात और हिंदी में भी सुप्रभात बोलते हैं। सुप्रभात पुत्र सोमेशा, ठीक है, पुत्र अपने बेटे को सुप्रभात बोल रही है। तो आयुष बोल रहा है सुप्रभात मम्मी, है ना। जननी मतलब माता भी होता है, ठीक है। तो माता, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, पुत्र मतलब सुबह सुबह का प्रकृति सौंदर्य देखो, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आयुष बोलता है हाँ देखूँगा, ठीक है। उसकी मम्मी बोलती है सुबह सुबह का सुंदरता देखो, आप सुबह देखे होंगे चिड़ियाँ चहचहाती है, हल्का हल्का बादल होता है, सूर्य निकला होता है, हरा भरा सब कुछ दिखता है। तो ये उसकी माँ उसको देखने को कह रही है। माता, प्रातः काले पूर्वस्य दिशाया भानु उदेति शशि प्रवाहिन भवती तारका च अदृष्टा भवंती अंधकारस विनश्यति सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र प्रसरति, ठीक है। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि सुबह सुबह जो होता है क्या है, पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है, ठीक है। सूर्य का मतलब सूर्य उदय होता है, यानी कि सूर्योदयती मतलब सूर्य उदय होता है, यानी कि सूर्य निकलता है। और चंद्रमा का प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। शशि का प्रभाव क्या होता है, प्रभाव भी नहीं होता है, मतलब खत्म हो जाता है। और तारे भी दिखने दिखने बंद हो जाते हैं, ठीक है। और अंधकार का क्या होता है, विनाश हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है, ठीक है। और सूर्य का जो रोशनी है वो सभी और फैल जाता है, ठीक है। तो आयुष क्या बोलता है देखते हैं। आयुष, पक्षी नाम कुंजना चित्र हरती माता प्रातः पक्षिना कलरव सुप्ताना जनाना प्रबोधयति कार्येषु विनियोजयति वायु मंद मंद वहती आकाशे खग इत्सता उत्पन्नति उधाने पुष्पाणि विकसन्ति भ्रमरा गुंजन्ति जना भ्रमणाया उधाना गच्छन्ति बाला मित्रो मित्र सह विद्यालय गच्छन्ति भक्ता देवालय गच्छन्ति ईश्वर च भजन्ति सर्वे स्व सर्वकर्मणि संलग्न सन्ति, ठीक है। तो आयुष बोलता है कि मतलब पक्षियों का जो कूकना होता है ना, मतलब ठीक है, जो कू कू या ची 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 करती ना ऐसे, तो बोल रहा है कि पक्षियों का जो कूकना होता है वो क्या करता है, जो उसका बोलना होता है पक्षियों का, वो हृदय को छूता है, क्या करता है, अच्छा लगता है। मतलब जब आप सुनते हो पक्षियों का आवाज़ सुनिए तो स्वीट लगता है ना सुनने में, तो वही आयुष बोल रहा है। तो उसकी मम्मी क्या बोल रही है तो उसमें बोलती है कि लेकिन आजकल क्या है, सुबह सुबह पक्षियों का काम क्या है, पक्षियों का जो कूकना होता है, चहचहाना होता है, वो क्या काम करता है, सभी सोए हुए लोग को जगाने का काम करता है, ठीक है। पक्षी का कूकना किस लिए होता है, सुबह सुबह सोए लोग को जगाने के लिए काम करती है पक्षी का कूकना, ठीक है, और उसका चहचहाना। और हवा धीरे धीरे बहती है आकाश में, पक्षी सुबह सुबह आप देखते होंगे पक्षी लोग कूकती रहेगी, हवा जो है इधर उधर बहता रहता है, उसकी मम्मी बता रही है, धीरे धीरे बहता है। और आकाश से पक्षी लोग इधर उधर उड़ते रहते हैं ना, फिर बगीचा में फूल खिलता रहता है, जो भौरा लोग है लोग भी घुन घुन भौरा लोग गूंजते रहता है। फिर लोग घूमने के लिए सुबह सुबह जाते हैं ना मॉर्निंग वॉक के लिए, पार्क वार्क में जाते हैं। फिर क्या होता है, बालक अपने मित्रों के साथ है, उसके बाद विद्यालय जाते हैं, सब लोग स्कूल जाते हैं दोस्तों के साथ। फिर और कुछ जो भक्त लोग जन लोग हैं वो लोग मंदिर जाते हैं, ईश्वर का भजन कीर्तन करते हैं, है ना। फिर सभी क्या करते हैं, इतना भजन कीर्तन करने के बाद, मॉर्निंग वॉक सब करने के बाद, नहा धो के पूजा जा करके नाश्ता करके सब अपने काम में लग जाते हैं, ठीक है। आयुष, मम अध्यापक कथति सूर्य ऊर्जाय अखंड भंडार अस्ति सूर्यात एव वय प्रकाश उषंता च विंदाम अस्य प्रकाशेन रोग क्रिमिनाशः भवति सूर्यस ऊर्जाया यंत्र चालनम अपि संभवति सर्वे ग्रह सूर्य परिक्रामन्ति पृथ्वी अपि सूर्य परिक्रामन्ति अतः सूर्य एव कालस्य कारणम नियंता च, ठीक है। तो फिर आयुष क्या बोल रहा है कि मेरे अध्यापक कहते हैं
क्या कहते हैं उसके टीचर कि सूर्य जो है मतलब एनर्जी का, ऊर्जा का भंडार है, अखंड भंडार है, मतलब जो खत्म नहीं होता वैसा भंडार है जो हमको एनर्जी देता है। हमको एनर्जी पता कहाँ से आता है? हम लोग को एनर्जी सूर्य से आता है, सूर्य से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, और सूर्य से ही हम सब प्रकाश और गर्मी प्राप्त करते हैं। ठीक है, सब प्रकाश जितना ही रोशनी वोशनी है वो सब गर्मी वर्मी जो भी लगता है सब उसी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उस प्रकाश से फ़ायदा क्या है? जो सूर्य का रोशनी आता है ना, उससे फ़ायदा ये है कि रोग कीटाणु जो होता है उसका ख़त्म हो जाता है। सूर्य की रोशनी नीचे आती है जितनी भी मतलब बीमारी बीमारी जो भी नए नए जर्म्स वगैरह है सबको मार देता है वो। ठीक है, और सूर्य की मतलब जैसे कि कुछ होता है ना वो एनर्जी यंत्र होता है चलाने में, जैसे जो सूर्य की ऊर्जा से चलता है, जैसे कि आप सोलर लाइट देखेंगे सब, वो सब चलाने में संभव है। ठीक है, उससे मतलब सूर्य की रोशनी को लेकर सोलर लाइट वगैरह का काम होता है, सोलर गैस देखे होंगे आप, सोलर लाइट देखे होंगे, बहुत कुछ सोलर होता है, तो सोलर पैनल का जितना भी चीज़ आता है वो सब यूज़ होता है, सूर्य के यंत्र के द्वारा ही चलता है। ठीक है, सूर्य का नहीं आएगा तो फिर वो सब चलेगा ही नहीं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, मतलब कि 8 planets है ना, अभी पहले 9 planets थे, अभी कितने 8 planets है, सभी सूर्य का परिक्रमा करता है, यानी कि राउंड राउंड घूमता है सूर्य के। ठीक है, इवन कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, इसलिए सूर्य समय के कारण नियत है। ठीक है, समय के कारण क्या है? जैसे है मतलब शाम होता है सुबह होता है सब देखते हो ना आप, यही सब कारण है। ठीक है, माता बोल क्या रही फिर? आमवत्स सूर्य सर्वेषु देवेषु प्रमुख देव अस्ति सुप्रसिद्ध है, गायत्री मंत्रे अपि सूर्यस एवं प्रार्थना असति उदय काले अस्त काले च सूर्यस वर्णसमान भवति कसित कवि कथयति उदेति सविता ताम्र ताम्र एव अस्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महत्तमेक रूपता। ठीक है, तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा, सूर्य ही क्या है सभी देवताओं में, देवों में क्या है प्रमुख देवता है। ठीक है, मतलब जो सुप्रसिद्ध सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाले जो गायत्री मंत्र है वो भी सूर्य की ही प्रार्थना है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र में बोलते हैं ना ओम भूर्भुवस्व तत्सवितु वरेण्यम, वो भी क्या है सूर्य भगवान की ही प्रार्थना है। ठीक है, तो उदय काल मतलब जब निकलता है और अस्त काल जब सूर्य डूबता है, उदय काल और अस्त काल सूर्य के रंग के समान होता है। कभी तो किसी कभी ने कहा मतलब दोहा कहा था जो ये नीचे दिया है आपका, उदेति सविता ताम्र, क्या बोल रहे हैं इसका मतलब? उदय होता हुआ सूर्य, उदेति सविता ताम्र मतलब उदय होता हुआ सूर्य तांबे के समान, और अस्त होता हुआ सूर्य भी तांबे के समान, सुख व दुख में इनकी महानता एक समान रहती है। ठीक है, चाहे निकलता हुआ सूर्य हो या डूबता हो तांबे के समान होता है, यानी कि सुख हो या दुख हो सब में ये मतलब इनकी महानता एक समान रहती है, आपके साथ हमेशा समान ये रहेगा उनके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड।